नीति आयोग की टीम उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग टीम का स्वागत किया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी और उनके टीम सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचे, जहां नीति आयोग उपाध्यक्ष का मुख्यमंत्री ने स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सचिव राधा रतूड़ी, शासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मामले में उत्तराखंड देश में नंबर एक रहा है। उत्तराखंड भले ही एक छोटा पहाड़ी राज्य है, लेकिन उत्तराखंड में विकास के क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश की योजनाओं को आगे बढ़ने का कार्य किया जाएगा। नीति आयोग उपाध्यक्ष ने बताया कि 2 दिवसीय दौरे की शुरुआत हरिद्वार से हुई। आगे उन्होंने कहा कि हरिद्वार उत्तराखंड की आर्थिकी में बहुत बड़ा योगदान देता है। हरिद्वार में उन्होंने गंगा आरती में भी भाग लिया। नीति आयोग की टीम के समक्ष उत्तराखंड में चल रहे कार्यों एवं योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। शासन के सभी आला अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के प्रांगण से, केदार धाम से, उनके मुख से निकले हुए शब्द कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हमारी GSDP भी बढ़ रही है, हमारी जो बेरोजगारी दर है वह भी कम हो रही है। हम बहुत सारे, जैसे स्टार्टअप के क्षेत्र में पहले हम केवल अचीवर्स की श्रेणी में थे, आज हम लीडर्स की श्रेणी में आ गए हैं। निवेश करने वाले राज्यों में भी हमारा स्थान देश के प्रमुख राज्यों में आ रहा है। हर दृष्टि से आज हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी के वो कथन, ऐसा लगता है कि वो उनके मुख से शिव रूपी शब्द थे जो धरातल पर उतर रहे हैं और आगे भी उतरते रहेंगे। उसके दो मतलब खास जिम्मेवारियां हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक, और दूसरा जो कहते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बहुत खुशी की बात है कि जब हमने ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की किताब कल पिछले साल निकाली थी, इसी साल जुलाई में, कि उत्तराखंड सबसे नंबर वन है इसमें, तो इसका मुबारक देना चाहते हैं ऑनरेबल CM को। दूसरा, हम इधर हरिद्वार से आए और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट एक हमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक एस्पिरेशनल ब्लॉक भी है, और हम मेरी जिम्मेवारी है, बनता है कि मैं अपने आंखों से देखो, अधिकारियों से बात करूं, तो और उन्होंने आरती का भी इंतजाम किया था, तो ये दौरा शुरू हुआ ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में, और आज माननीय CM ने हमें ये कर्टसी कॉल। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि नीति आयोग के का गवर्नेंस है कि गवर्निंग काउंसिल पे सब CM प्रेजेंट हैं, और मेरी ड्यूटी है कि हर CM को एक दफ़ा मैं उनको अपने राज्य में मिलूं, तो ये पहला ऑफिशियल विजिट है। हालांकि एक दफ़ा मंसूरी में चिंतन शिविर के लिए, पर देहरादून में मैं पहली दफ़ा आ रहा हूँ।